नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही आप क्रिकेट की खबरों से भी रूबरू होते रहेंगे। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सुर्खियों की ओर। स्वास्थ्य समिति बिहार ने निकाली रिक्तियां। बिहार में अप्रैल महीने से शुरू होगा डायल 112। बिहार के 10 से अधिक जिलों में लग रहे नए उद्योग। बिहार बजट में होगा किसानों की तरक्की पर जोर। 17 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा प्रबोधन कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे संबोधित। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने निकाली रिक्तियां। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कुल मिलाकर 4050 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीएससी नर्सिंग या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 3 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विकास रंजन की। विकास रंजन का जन्म आज ही के दिन साल 1993 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। विकास रंजन एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2018 को 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। उन्होंने 11 जनवरी को 2020 की शुरुआत की। 2021 बिहार के लिए 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्हें खेलते देखा गया था। बिहार में शराब कारोबारी पर जारी है कार्रवाई। पिछले एक सप्ताह में इतनों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में शराबबंदी कानून सालों से लागू है, लेकिन सरकार के नाक के नीचे इन दिनों शराब का खेल देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार सरकार एक बार फिर से इस कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए सख्त हो गई है। इसी को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह में अवैध शराब के विरुद्ध कुल 29,678 छापेमारी की गई, जिसमें 3,953 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस दौरान ड्रोन के जरिए पुलिसकर्मियों ने 60,923.77 बल्क लीटर देशी शराब एवं 53,706.12 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही होम डिलीवरी करने वाले कुल 588 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में शराब डिलीवरी मामले में 510 वाहन जब्त किए गए। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में अप्रैल महीने से शुरू होगा डायल 112। बिहार में अप्रैल महीने से डायल 112 की शुरुआत होने वाली है, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी आपात स्थिति में कर सकेंगे। यानी कि अब कुछ ही महीनों में पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा सिर्फ इस एक नंबर को डायल करने पर प्राप्त की जा सकती है। डायल 100 की जगह पर पूर्ण रूप से डायल 112 काम करेगा, जिसके तहत अब किसी भी तरह की इमरजेंसी पर पुलिस द्वारा क्विक रिस्पॉन्स किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छी हुई है, जिस वजह से ही कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों के कंधों पर रहने वाली है। सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची मूर्ति का होगा निर्माण। हाल ही के सालों में भारत में सबसे ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण लगातार किया जा रहा है। हाल ही में स्वामी रामानाचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया था। अब इस कड़ी में बिहार का नाम भी जल्द ही जुड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा बनाने की तैयारी हो रही है। खबरों के अनुसार ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने वाली है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा से भी बड़ी होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन भी किया गया है। इसका अध्यक्ष स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया है।
का असर कम, लेकिन अभी भी कई शहर जम्मू से भी ज्यादा ठंडे। बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिन में निकल रही तेज धूप लोगों को राहत दे रही है। हालांकि अभी भी बिहार के 7 ऐसे शहर हैं जहां पर ठंड का सितम जम्मू से भी ज्यादा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड की विदाई देखने को मिलने वाली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पछुआ का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। पछुआ हवा की गति में थोड़ी कमी आई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। कई स्थानों पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इससे रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। 24 घंटों के दौरान पटना समेत गया, मोतिहारी, शेखपुरा, औरंगाबाद, नवादा, जीरादेई, पूसा का न्यूनतम तापमान जम्मू से कम दर्ज किया गया है। 2019 में पास एसटीईटी अभ्यर्थियों का बीएसईबी के सामने प्रदर्शन। एसटीईटी 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी ने क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में विभिन्न जिलों में एसटीईटी अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हुए थे। छात्रों की माने तो 12 मार्च को उन लोगों का रिजल्ट आ गया था और वो सभी क्वालिफाइड है, लेकिन क्वालिफाइड होने का उन लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। अभ्यर्थियों की माने तो सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उन्हें प्राइवेट स्कूल में भी आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। क्वालिफाइड होने का वो लाभ भी नहीं ले पा रहे। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट जारी करने का मौखिक आश्वासन दिया है। बिहार के 10 से अधिक जिलों में लग रहे नए उद्योग। आने वाला समय बिहार के लिए उद्योग के लिहाज से बेहद ही समृद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार के 10 से अधिक जिलों में नए उद्योग को लगाने का काम जारी है। औद्योगिक निवेश की गति को देखें तो बिहार में अकेले 4 इथेनॉल कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। इन कंपनियों का उत्पादन इकाइयों में ट्रायल रन प्रगति में है। ये उपलब्धि 12 महीने के भीतर की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि इथेनॉल से प्रदूषण कम होगा और दूसरा ये कि विदेशों में पेट्रोलियम के आयात की जरूरत भी कम होगी। बच्चों को एनीमिया से अब बचाएगी बिहार सरकार। बिहार के बच्चों को एनीमिया जैसी बीमारी से बचाने के लिए बिहार सरकार जोर शोर से काम करने वाली है। इसको लेकर ही एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर महीने की 19 तारीख को आयरन फोलिक एसिड सिरप का वितरण अन्न प्राशन दिवस पर किया जाएगा। इसको 6 महीने से 59 महीने के बच्चों के बीच आशा की उपस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा कर दी है। इसके तहत ही उन्होंने कहा है कि माताओं को भी आयरन सिरप की खुराक देने की विधि की जानकारी दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गृह भ्रमण के समय बच्चों के खुराक के वितरण का फॉलोअप भी किया जाएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल है बिहार का मौसम। बिहार में जल्द ही स्ट्रॉबेरी की खेती देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बिहार का मौसम अनुकूल बताया गया है। इसको लेकर उद्योग विभाग जल्द ही किसानों का समूह बनाने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस साल विभाग की तरफ से 5 एकड़ की खेती के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों की माने तो भागलपुर का मौसम स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल है। इसकी खेती का रकबा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रकबा बढ़कर 0.5 एकड़ से 2.5 एकड़ हो गया है। इस साल 2.5 एकड़ के अतिरिक्त 5 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती करने की योजना है। किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मांग अधिक रहने के कारण ये खेत से ही बिक जा रहा है। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बिहार में अब शुरू होगा परीक्षाओं का दौर। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट और बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार को अनलॉक करने के फैसले के बाद बिहार भर में जल्द ही परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार यूजी पीजी की परीक्षाएं भी इस पर मई तक कराने की उम्मीद है।
जून में रिजल्ट जारी करके सत्र को नियमित कर दिया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। सत्र को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सत्र लेट चल रहा है, कहीं 7 महीने तो कहीं 2 साल तक सत्र लेट हो गया है। कोरोना से उभरी बिहार की अर्थव्यवस्था। कोरोना की मार से लड़खड़ाई बिहार की अर्थव्यवस्था अब उभर गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हाल ही में 31 दिसंबर को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के राजस्व की वसूली से इस बात का खुलासा हुआ है। राजस्व संग्रह को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि तक प्रदेश के खजाने में 1,09,130 करोड़ 82 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। प्रदेश में राजस्व संग्रह का ये आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि तक जमा हुए 96,722 करोड़ 48 लाख रुपए से करीब 13,000 करोड़ अधिक ज्यादा है। पिछले साल इस अवधि तक लक्ष्य का केवल 47.24% तक वसूली हो पाई थी, जबकि इस साल तक 52.16% है, यानी पिछले साल की तुलना में ये 4.92% ज्यादा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान में इस अवधि में जरूर कमी देखने को मिली है। 17 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा प्रबोधन कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे संबोधित। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस दौरान पूर्व बिहार विधानसभा की तरफ से 17 फरवरी को बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य अतिथि के रूप में आने की खबर भी सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17 तारीख को विधायकी कार्य पर प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। विधायकों की गणतंत्र में उनकी भूमिका और भागीदारी पर संबोधन और उद्बोधन भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ साथ प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बिहार बजट में होगा किसानों की तरक्की पर जोर। जल्द ही बिहार का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर ही अभी से ही चर्चाएं गर्म है। इसी कड़ी में अब कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि आगामी पेश होने वाले बजट में किसानों की तरक्की पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से किसानों को लेकर उदारवादी रवैया अपनाया है और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है, वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं पर बिहार सरकार भी अमल करेगी। वैसे पहले से ही बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार के किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें और रसायन का प्रयोग कम करें। प्राकृतिक खेती हर लिहाज से फायदेमंद साबित होगी, लिहाजा सभी किसानों के इस तरफ पहल करने की जरूरत है। बिहार में डीबीटी का लाभ न लेने वालों का जल्द ही डेटाबेस होगा तैयार। बिहार में वित्त विभाग हर एक परिवार के लिए अलग से डाटाबेस तैयार करने में जुड़ी हुई है। कैबिनेट के फैसले के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसे कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का नाम दिया गया है। इस सबसे खास बात यह है कि इस पर वैसे लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिन्हें फिलहाल डीबीटी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद ही अब आने वाले समय में जब भी उन्हें पात्रता हासिल होगी बिना किसी आवेदन के उन्हें लाभ मिल जाएगा। इस मामले में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जवाबदेही वित्त विभाग को दी गई है। इसको लेकर अन्य विभागों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में बनाई एक खास जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समदर्शी और दूरदर्शी सोच के कारण जल्द ही एक बड़ा सपना साकार होने वाला है। जब बिहार की सत्ता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाला था, तब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि आज के समय में ये विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपने अस्तित्व में आ गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई है। वो सालों से बन रहे नालंदा विश्वविद्यालय बेहद ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाए जाने का सपना उन्होंने भी देखा था और अब ये साकार हो गया है। इस विश्वविद्यालय के मेन गेट से अंदर आते ही कैंपस के खूबसूरत नजारे से आपकी मुलाकात होगी। सड़क के दोनों तरफ आती खुशबू और सामने पहाड़ियों का नजारा आपके मन को मोह लेगा। साल 2007 के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के फैसले का भी भरपूर समर्थन मिला था। हिजाब विवाद को सीएम नीतीश ने बताया गैर जरूरी। देश में हिजाब विवाद को लेकर जमकर राजनीति तेज है।
भाजपा और विपक्ष के बीच में इसको लेकर के वाक्य युद्ध शुरू हो गया है। इसको लेकर ही बीते दिन बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने भी इसे गैर जरूरी मुद्दा करार कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या पहनकर आते हैं, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार में विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर सरकार के लगातार प्रयासरत होने की बात भी कही है। बिहार में जल्द ही कांग्रेस लगाएगी प्रशिक्षण शिविर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज से शुरू होने वाला है, जो कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगा। प्रशिक्षण को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक विभाग और पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू, पीआरओ रिपुन बोरा, एपीआरओ संदीप शर्मा, डॉ नरेश कुमार और अविनाश दीक्षित आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जिलाध्यक्षों और जिले से दो दो वरिष्ठ नेताओं को डिजिटल सदस्यता का प्रशिक्षण देंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार पेपर सदस्यता के साथ डिजिटल सदस्यता अभियान भी कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, तो किसी को सदस्यता में समस्या ना आए इसलिए ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन समय समय पर किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पिछली बार 16 लाख सदस्यों की संख्या को इस बार दोगुना करने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है। प्रताप ने मांगी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के पुलिस महानिदेशक से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि बीते दिनों ही कई लोग तेज प्रताप के छात्र संगठन से भिड़ने के लिए करीब 10 लोग उनके आवास में घुस गए थे। साथ ही इस दौरान इन लोगों ने तेज प्रताप यादव को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी, जिसके बाद से ही तेज प्रताप यादव सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ही उन्होंने बीते दिन पुलिस मुख्यालय को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैं 2M स्ट्रैंड रोड पटना में रह रहा हूं। पूर्व में मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रह चुका हूं। विगत दिनों मेरे आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। अंततः सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश जारी किया जाए। आज चिराग निकालेंगे बिहार बचाओ मोर्चा। बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार को सवालों के कटघरे में डालने वाले चिराग आज से बिहार बचाओ मोर्चे की शुरुआत करने वाले हैं। बढ़ते अपराध को लेकर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकल्प लिया है। मीडिया में चल रही खबरों और चिराग पासवान की तरफ से पूर्व में किए गए ऐलान के अनुसार आज से पटना के गांधी मैदान के पास स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल से राजभवन तक बिहार बचाओ मार्च निकालने वाले हैं। इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ही करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। परिवारवाद पर सीएम नीतीश ने लालू यादव पर साधा निशाना। परिवारवाद के मुद्दे पर घिरे लालू प्रसाद यादव आए दिन इस मुद्दे को लेकर सवालों के घेरे में बंधे होते हैं। इसी कड़ी में अब वो इसी मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश के निशाने पर भी आ गए हैं। यही कारण है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि परिवार पर केंद्रित लोगों का राजनीति में भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुभवी नेताओं को छोड़ अपने परिवार के लोगों को बड़े पद पर लोग बिठा देते हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता। ये समाजवाद नहीं, किसी ने अपनी पत्नी को तो किसी ने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग छात्र जीवन से ही समाजवाद से प्रेरित हैं। इस दिन राजभवन मार्च करेंगे पप्पू यादव। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाए कई आरोप। बिहार में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब इस मुद्दे को जा प्रमुख पप्पू यादव भी उठाने वाले हैं। इसको लेकर जाप मुखिया पप्पू यादव 7 मार्च को सड़क पर उतरेंगे। इस दौरान वो राजभवन का घेराव करेंगे। इसको लेकर उन्होंने खुद ही बीते दिन सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में ये तय किया गया है कि रोजगार और नौकरी के मुद्दे को लेकर आगामी 7 मार्च को पटना राजभवन मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लूट का अड्डा बताया है और इसको लेकर उनकी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, इस बात की जानकारी भी दी है। 23 मार्च को लोहिया और भगत सिंह की शहादत दिवस के दिन बिहार बनाओ रोजगार यात्रा निकाली जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा को 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंद महासागर के तटीय देश के नौसेना प्रमुख का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 15 फरवरी साल 2010 में ही पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित सिलदा शिविर में सशस्त्र माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में करीब 24 जवान शहीद हो
गए। भारतीय अभिनेता आशुतोष गोवरिकर ने 15 फरवरी 1964 में उनका जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेत्री मीरा जैस्मिन का जन्म 1984 में हुआ। 1869 में महान उर्दू कवि और लेखक मिर्जा गालिब का निधन हुआ था। जोफ्रा आर्चर को खरीदने के पीछे की वजह बताई आकाश अंबानी ने। आईपीएल 2022 के लिए मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर नीलामी में मोटी बोली लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा है। हालांकि आर्चर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो आईपीएल 2022 में नहीं खेलेंगे। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने आईपीएल नीलामी के दौरान आर्चर पर नोटों की बारिश कर दी है और उन्हें 8 करोड़ रुपए देकर सबको चौंका दिया। आर्चर ने पहले अपना नाम मेगा ऑक्शन के लिए नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए रजिस्टर करवाया था और उन पर बड़ी बोली लगाई गई है। इस बीच मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने इस बात का खुलासा किया है कि आर्चर को खरीदने के पीछे किसका आइडिया था। आकाश अंबानी ने कहा कि इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को खरीदने के पीछे टीम के हेड कोच महिला जयवर्धन का आइडिया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, रुपेश कुमार, गौतम कुमार, शंकर मुखिया, प्रेम सिंह, रविशंकर कुमार, रिया कुमारी, रोहित कुमार, राजीव कुमार, रंजन कुमार, बलराम कुमार, उमेश शर्मा, राम बाबू कुमार, कुश कुमार यादव, कुशवाहा फिल्म। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित हो रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।